जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। अभी तक अगर आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लें, और जिन सभी साथियों को हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स मंगवाना है दोस्तों तो अब आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपको ये नंबर दिया है, संपर्क करना है दोस्तों, ठीक है, और ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, जिनमें आवश्यक महत्वपूर्ण ट्रिकों का भी दोस्तों ट्रिकी नोट्स बनाए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जगह जगह पर आपको ट्रिक भी इसमें दी गई हैं, विस्तृत अध्ययन है, और दोस्तों इसका कुछ मैं सैंपल आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये दो पार्ट में दोस्तों आपके ये नोट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके लिए हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, हिंदी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां और साठोत्तरी कविता, ये दोस्तों आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकंड पार्ट में दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले हिंदी गद्य का विकास, ये हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, डायरी, साक्षात्कार, हिंदी में प्रथम, हिंदी में विविध, यानी कि इसमें आपके पुरस्कार रहेंगे, पूरे गुरु शिष्य रहेंगे, प्रमुख संप्रदाय रहेंगे, बहुत सारी चीजें हिंदी विविध में, पत्र पत्रिकाएं रहेंगी दोस्तों, आपकी प्रमुख कथन भी इसमें समाहित किए गए, ठीक है। तो ये पूरे दोस्तों आपके जो नोट्स हैं जिनकी यहाँ पर लिस्ट, विषय लिस्ट आपको दिख रही है। अब थोड़ा सा नोट्स के बारे में भी हम आपको बता दें कि सबसे पहले ये चैप्टर आपको हिंदी भाषा का चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आपको इस प्रकार से भाषा के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन दिया गया दोस्तों, कि भाषा का सबसे प्राचीन रूप कायम किसमें मिलता है, ऋग्वेद संहिता में मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पूरा पढ़ेंगे, जहां पर आपके लिए भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया, प्राचीन आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत, ये दिया जाएगा। प्राचीन आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा, प्राकृत, इसके बारे में, प्राकृत के महाकाव्यों के बारे में पढ़ेंगे, अपभ्रंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर अपन देखते हैं अपभ्रंश की प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे दोहा कोश, पयोमचर्यु, रिठ्ठयमीचर्यु, स्वयंभू छंद, इसके बारे में अपभ्रंश की पूरी रचनाएं पढ़ेंगे, अभट्ट से संबंधित रचनाएं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपभ्रंश से दोस्तों जो आधुनिक भाषाएं जिनका उदय हुआ है उनको पढ़ेंगे, जिनके लिए अपन ने यहाँ पर देखा है कि आधुनिक भाषाएं जैसे सौर सैनी अपभ्रंश से ये उदय हुआ है, पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी और गुजराती का, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर ट्रिक बनाई है, पश्चिमी राज गुजरात में शेर है, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए कौन सी दोस्तों पश्चिमी हिंदी से किस आधुनिक उपभाषा का विकास हुआ, तो सॉरी स्वर सैनी से किसका विकास हुआ, तो पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी और गुजराती का, ठीक है। मागधी से किसका हुआ, तो अपन ने पढ़ा था कि मगध के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, ये ट्रिक बना ली, तो बिहारी बंगला उड़ा उड़िया ये असमिया हो जाएंगे। अर्धमागधी की बात करें तो पूर्वी हिंदी हो जाएंगी, महाराष्ट्री में मराठी, ब्राचड़ में सिंधी ब्राचड़, ठीक है। पैसाची से निकली थी लहंगा और पंजाबी, तो पंजाबी लहंगा पैसा में पंजाबी लहंगा, ठीक है, ट्रिक बना ली अपन ने। उसके बाद आधुनिक आर्य भाषाओं को देखा तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी से दोस्तों जो भाषाएं निकली उनमें अपन ने ट्रिक बनाई, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज, हरियाणवी, तो एक ट्रिक बना ली, कानों की खड़ी, बुंदेली, ब्रजभान हरी के पास, ये ट्रिक हो गई। पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ट्रिक बना ली अपन ने, अब छत्तीसगढ़ी या फिर ABC, ठीक है। राजस्थानी में जयपुरी माल में बाती की मार बड़ी है, ये ट्रिक बन गई। पहाड़ी हिंदी से पहाड़ी घरवाली कमाऊनी है, ठीक है, ट्रिक। बिहारी हिंदी से बिहारी के भोजन में एक मग मेथी डाल दो, ये ट्रिक बन जाएगी अपनी, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखा कि कुछ पूछी जाती हैं कौन सी ओकार बहुला है, कौन सी आकार बहुला है, कौन सी इकार बहुला, इसके बारे में पूरा विस्तृत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पूरा विस्तृत बताया गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, थोड़ा सा अपन यहाँ पर देखते हैं, ये पूरा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है दोस्तों, जिसके बारे में पूरा विस्तृत आपके लिए बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आते हैं देवनागरी लिपि, यहाँ पर जो पूरे संविधान के अनुच्छेद से संबंधित, किस अनुच्छेद में कौन सी दोस्तों भाषा का प्रावधान किया गया है, अनुसूचियाँ हिंदी की, विश्व हिंदी सम्मेलन, ये दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों
देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि के बारे में बताया गया है। देवनागरी लिपि भी अपन को पढ़ना है, ये देवनागरी लिपि है। तो ऐसे पूरे के पूरे टॉपिक आपको विस्तृत बताए गए हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि के बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अपन दोस्तों ये रचनाएं भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि, भक्ति काल आएगा, उसके पहले रीति काल, रीति काल उसके पहले आदि काल आएगा। तो ये आदि काल हो गए दोस्तों, ठीक है, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, ये प्रसिद्ध कवि सरहपा, इस प्रकार से पूरा का पूरा विस्तृत, सबरपा, लुईपा, कंडपा, ये पूरे के पूरे विस्तृत बताइए कौन सी सदी के हैं, ये पूरा विस्तृत हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे देखें तो यहाँ पर आपको एक एक कवियों के बारे में बताया गया, गिरजा कुमार माथुर है ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऐसे ही कबीर तुलसी के बारे में भी बताया गया, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, एक एक कवियों का पूरा परिचय और उनकी रचनाएं इसमें बताई गई, हरिनारायण व्यास, शकुंतला माथुर, ठीक है, ये दोस्तों आपके प्रयोग बाद में हो जाएंगे, रामविलास शर्मा, मदनवास साइन, इनके बारे में, और दोस्तों प्रयोगवाद की महत्वपूर्ण रचनाएं, यानी कि हर टॉपिक के बाद उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और महत्वपूर्ण तथ्यों को समावेश किया गया है, ठीक है। तो ये सैंपल है दोस्तों आपका पूरा प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर बताए गए। तो ये आपके लिए एक सैंपल दे दिया है प्रपद्यवाद के बारे में, ठीक है, प्रयोगवाद के बारे में। दूसरा पार्ट आपको मैं बता दूं दोस्तों, तो दूसरा पार्ट आपका हिंदी गद्य साहित्य, तो हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, ठीक है, उद्धोतन सूरी ने, कुबलाय माला, ये विकास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर अपन दोस्तों नाटक के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर जो अपना होगा पार्ट टू में दोस्तों ये टॉपिक होगा नाटक के बारे में, ठीक है, और उसके आगे जाएंगे नाटक के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उपन्यास, ये पूरा पूरा नाटक जो है आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों विस्तृत पड़ेगा। निबंध की बात करें तो द्विवेदी युग, निबंध का सैसव काल था, द्विवेदी युग का विकास काल ये पड़ गया, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार, इसके बारे में देखा, ठीक है, निबंध के बारे में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपन उपन्यास भी देखें और पूरे नाटक, कहानी, एकांकी, सारी की सारी अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको बनाया गया, ठीक है। विविध आलोचना पद्धति, उनके प्रवर्तक, जैसे यहाँ पर व्याख्या अकेडमिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया, प्रभावात्मक आलोचना का सूत्रपात किसने किया, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया, स्त्री विमर्श आलोचना ये भी दिया गया, मतलब बहुत अच्छे से विस्तृत बनाया गया। यहाँ पर अगर बात करें हम तो सबसे पहले दोस्तों ये आपके पैरों में पंख बांधकर इस प्रकार से पूरा का पूरा बताया गया, ठीक है। तो सभी हमारे साथी जिनको भी दोस्तों इनमें मंगवाना है, ये नोट्स मंगवाना है, वो मंगवा सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में प्रथम, ये 17वां टॉपिक रहेगा, हिंदी में प्रथम कौन क्या प्रथम है इसके बारे में आपको पूरा बताया गया, ठीक है। और साथ ही दोस्तों पत्र पत्रिकाएं और ये प्रमुख कथन, अंतिम जो टॉपिक आपका रहेगा प्रमुख कथन रहेंगे, जिनमें यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के कथन रहेंगे, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, कथन किसका, रामचंद्र शुक्ल का है, ये पूरे के पूरे कथन रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा आदि के, ये पूरे के पूरे कथन, विजय देव नारायण शाही, शमशेर बहादुर, गणपति चंद्रगुप्त के कथन है, रामविलास शर्मा के कथन है, मुक्तिबोध के कथन है, तो ये कथन के बारे में, यानी कि पूरे के पूरे टॉपिक और एक सैंपल मैंने आपको बताया है। सो साथियों जिन भी साथियों को मंगवाना है ये नोट्स, संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया है, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फोन पे पर आप 2100 रुपये पे करके दोस्तों स्क्रीनशॉट और साथ ही आपका पता पूरा आप मुझे क्या कर सकते हो दोस्तों व्हाट्सएप पर दे सकते हो, ठीक है। तो जरूर दोस्तों आपको अच्छे लगे होंगे ये नोट्स और बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद और जय हिंद।